नारनौल में दिल्ली जैसलमेर हाईवे पर तेज रफ्तार ने 5 लोगों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात को सिघाना रोड की तरफ से एक कार नारनौल की तरफ से आ रही थी। इसी दौरान रघुनाथपुरा गांव के पास बन रहे फ्लाईओवर के पास कार अनियंत्रित हो गई और जाकर पेड़ से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में मारे गए 5 युवक सिविल डिफेंस आर्मी से थे। बाप डोली गांव में किसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। देर रात 11 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिंगाना रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुंची तो वहाँ देखा कि एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई थी और उसमें 5 व्यक्ति थे। हमने काफ़ी प्रयास करके उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। बाकी ये दुर्भाग्य की बात है कि उनकी डेथ हो गई है 5 की। और ये आर्मी के साथ जो डिफेंस सिविलियंस काम करते हैं वर्कशॉप में, उसके आर्मी के साथ जुड़े हुए लोग थे और तो नियमानुसार कार्रवाई वो की जा रही है। सर, ये किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जो सूचना है उसके अनुसार तो ये सिंगाना की तरफ से गाड़ी आ रही थी। वहाँ डबल रोड है, उसके बाद अचानक से सिंगल रोड शुरू होता है, तो शायद नए लोग थे, देख नहीं पाए, समझ नहीं पाई और सामने पेड़ से गाड़ी टकराई है। अच्छा, तो ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ गए थे, किस तरह से? ये यहीं बापडोली गांव है कोई, वहाँ से आए थे और ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो इनमें कौन कौन लोग थे, क्या इनके क्या क्या नाम थे, कहाँ? देखिए, इसमें 5 लोग हैं, जिनमें एक गौतम है, जय भगवान, हजारी लाल, हंसराज और ओम प्रकाश, इस नाम से 5 लोग हैं। रात में ही हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना आर्मी सिविल डिफेंस के अधिकारियों को दी गई और परिजनों को भी सूचित किया गया। पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।